पंडित जवाहरलाल नेहरू महान इंसान के साथ साथ बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चे उन्हें चाचा के नाम से पुकारते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे कि आज के बच्चे कल का भविष्य होंगे और देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और बहुत सारे उच्च पद पर आसीन होंगे। चाचा नेहरू चाहते थे कि उनका जन्मदिवस छुट्टी के तौर पर नहीं बल्कि बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। युवा समाज सेवी शांतनु कुमार ने कहा कि वह पिछले 15 वर्षों से बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए कॉपी, पेंसिल, स्कूल बैग आदि से सहायता करते आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगने से रोकना शामिल है। समाज सेवी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना था कि कोई भी बच्चा मजदूरी ना करे। उनके हाथ में जूठे बर्तन की जगह हाथ में पेंसिल, कॉपी और किताबें हों। कुछ प्रवासी बच्चे आदत से मजबूर होकर भीख मांगते देखे जा सकते हैं। काफी प्रयास के बावजूद भी यह बच्चे दोबारा कुछ पैसों के लालच में माता पिता के कहने पर मांगने लगते हैं। पीआर टीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
पंडित जवाहरलाल नेहरू महान इंसान के साथ साथ बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चे उन्हें चाचा के नाम से पुकारते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे कि आज के बच्चे कल का भविष्य होंगे और देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और बहुत सारे उच्च पद पर आसीन होंगे। चाचा नेहरू चाहते थे कि उनका जन्मदिवस छुट्टी के तौर पर नहीं बल्कि बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। युवा समाज सेवी शांतनु कुमार ने कहा कि वह पिछले 15 वर्षों से बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए कॉपी, पेंसिल, स्कूल बैग आदि से सहायता करते आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगने से रोकना शामिल है। समाज सेवी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना था कि कोई भी बच्चा मजदूरी ना करे। उनके हाथ में जूठे बर्तन की जगह हाथ में पेंसिल, कॉपी और किताबें हों। हिमाचल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बाल मजदूरी ना के बराबर है। कुछ प्रवासी बच्चे आदत से मजबूर होकर भीख मांगते देखे जा सकते हैं। काफी प्रयास के बावजूद भी यह बच्चे दोबारा कुछ पैसों की लालच में माता-पिता की कहने पर काफी प्रयास के बावजूद भी यह बच्चे दोबारा कुछ पैसों के लालच में माता-पिता के कहने पर मांगने लगते हैं। सरकार और प्रशासन भरपूर प्रयास कर रहा है इनके हालात सुधरें। पीआरटीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।